आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। घड़ी घड़ी अमेरिका जो है मुस्लिम देशों को धौंस दिया करता था कि आप हमारे साथ संबंध तैयार करेंगे, हम आपको अपने हथियार देंगे, पर आपको हमारी शर्तों पर चलना होगा। और ये तमाम मुस्लिम मालिक के साथ अमेरिका करते हुए अक्सर दिखाई दिया और ऐसा ही करना चाहा तुर्की के साथ, जहां तुर्की से F-16 जो लड़ाकू विमान था उसका सौदा किया गया। और जब उस सौदे के लिए तुर्की के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश अमेरिकी सरकार द्वारा की गई, तब तुर्की ने सिरे से आईना दिखा दिया अमेरिकी सरकार को। और जब अमेरिकी सरकार को आईना दिखाया और तुर्की ने अपने विदेश मंत्रालय के दम पर रूस से संपर्क साधा और S-400 का परीक्षण अंकारा में कर दिया, और जब इसका परीक्षण किया गया तो कड़े शब्दों में तुर्की की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें अमेरिका से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब तुर्की द्वारा ये कदम उठाया गया तो तमाम प्रतिबंध जो है, तमाम बैन की प्रक्रिया खासतौर पर तुर्की सरकार के ऊपर लागू कर दी, जिसका खामियाजा आज भी तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। जहां फाइनेंशियली सिस्टम से कमजोर करने की कोशिश तुर्की को की गई, पर तुर्की ने अपनी सोचबूझ और अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी सोचबूझ से अपनी ताकत जो है धीरे धीरे बढ़ाई। और बीते सालों में तुर्की ने जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाया है इसको दुनिया ने देखा और सराहा है। और अब जो लोग आंखें दिखाया करते थे उनके भी तेवर अब तुर्की के आगे नरम पड़ गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सरकार द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें F-16 जो लड़ाकू विमान है उसे खरीदने की गुहार तुर्की से की गई है। और ये कदम कितना बड़ा तमाचा अमेरिका के मुंह पर है तुर्की द्वारा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार अपनी रिपोर्टों में आपको ये लगातार बताता रहा हूँ कि रसब तैयब एर्दोगन की ताकत जो है वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रही है, अपनी ताकत को धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं। और आज उसी ताकत का नतीजा है कि अपने आप में सुपर पावर कहने वाला अमेरिका तुर्की की विदेश मंत्रालय का कायल हो गया है और उसने पूरी तरह से सहयोग करने की बात तुर्की से की है और तमाम प्रतिबंध हटाने की मांग भी उस लेटर के जरिए तुर्की द्वारा कर दी गई है। आखिरकार F-16 को लेकर के इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है और क्या बातें बाइडेन प्रशासन द्वारा लेटर में की गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार का मानना है कि तुर्की को F-16 लड़ाकू जेट बेचने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगी और नाटो की लंबे वक्त काम आ सकेगी। विदेशी राजदूत ने कांग्रेस को एक चिट्ठी में कहा कि ऐसा करने से रिश्तों में फर्क पड़ेगा। तुर्की ने अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका से 40 लॉकहीड मार्टिन बनाई गई F-16 लड़ाकू और अपने मौजूदा लड़ाकू विमानों के लिए लगभग 80 मॉडर्नाइजेशन किट खरीदने की गुहार लगाई है, जबकि वॉशिंगटन ने अब तक सेल्स पर कोई राय देने से परहेज किया है। उसे स्टैंडर्ड वेपन्स को सेल्स से गुजरने की बात कही गई है। नाटो सहयोगी तुर्की को अमेरिकी हथियारों की सेल्स अंकारा ने रूस के बनाए रक्षा मिसाइल प्रणाली हासिल करने के बाद कंट्रोवर्शियल हो गई थी, जिसे US ने बैन लगा दिया था। तब F-35 लड़ाकू जेट को तुर्की से हटा दिया गया था। ये तमाम तस्वीरें सामने आई थी और अपनी मॉडर्नाइजेशन किट खरीदने की गुहार जो है वो तुर्की से लगाई जा रही है और तुर्की के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे नाटो के साथ जो है संबंध तुर्की के और मजबूत होंगे, क्योंकि नाटो के देशों में शामिल तुर्की भी एक ऐसा देश है जो अपनी दमखम पर बाहर खड़ा हुआ है। और यूक्रेन के मसले पर कैसे मसले को
सुलझाने की कोशिश लगातार रसब तैयब एर्दोगन द्वारा की गई है, ये भी किसी से छिपी हुई तस्वीर नहीं रही। और जब ये तस्वीर छिपी हुई नहीं रही तो अमेरिका आज खासतौर पर घुटने पर आ गया है तुर्की के। आपको बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहली बार रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई थी 17 मार्च को, एजेंसी के टॉप लेजिस्लेटिव ऑफिसर नाज दुराक्लू ने साइन किया है। इसी के साथ वो तनावपूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ तुर्की के समर्थन और रक्षा संबंधों को माहौल में खराब असर के लिए एक जरूरी कारण रहा है, जिसकी जानकारी खुद अमेरिका द्वारा दी गई है। 17 मार्च को स्टेट डिपार्टमेंट का खत आया जो पहली बार रॉयटर्स ने छापा, जिसमें वे स्ट्रेसफुल रिश्तों को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ तुर्की के समर्थन और रक्षा संबंधों के क्षेत्र में खराब प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण निवारण के रूप में वर्णित करती है। स्टेट डिपार्टमेंट का पत्र 4 फरवरी को डेमोक्रेटिक कांग्रेसी फ्रैंक पोलन और दोनों पार्टियों के 50 से अधिक सांसदों के नेतृत्व वाले पत्र के जवाब में था, जिसमें बाइडेन प्रशासन से अंकारा की खरीद को अस्वीकार करने का आग्रह किया गया था, जिसका हवाला देते हुए वे कहते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन की नाटो के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है और उनके मानवाधिकारों का व्यापक हनन है, जो कि ये माना गया बाइडेन प्रशासन द्वारा उनका हनन किया जा रहा है। जो बैन लगाए जा रहे हैं वो बैन गलत थे। इसी के बाद तुर्की ने, जब बैन लगे तो तुर्की द्वारा S-400 की खरीद के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके डिफेंस सिस्टम पर बैन लगा दिया था। जहां डिफेंस सिस्टम पर हथियार खरीद फरोख्त पर बैन लगे, तो वही निवेश निर्यात आयात निर्यात पर बैन लगे। पूरे व्यापार संबंध खत्म कर दिए गए अमेरिका द्वारा S-400 खरीदने के बाद। इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। अब अंकारा ने पहले 100 से ज्यादा US F-35 जेट का ऑर्डर दिया था, लेकिन S-400 को खरीदने के बाद वॉशिंगटन ने तुर्की को प्रोग्राम से हटा दिया था। तुर्की ने इस कदम को अनफेयर बताया और $1.4 अरब देने की मांग की थी। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कार्प LMTN F-35 F-16 बनाती है। 10 मार्च को एक कॉल में एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि तुर्की के डिफेंस पर सभी गलत बैन को हटाने का वक्त आ गया है और तुर्की को उम्मीद है कि F-16 खरीदने को जल्द से जल्द आखिरी अंजाम दिया जाएगा। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन ने कॉल करके बाइडेन प्रशांत से साफ तौर पर कहा कि अगर हथियार की खरीद फरोख्त चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, तो जो बैन आपके द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसे आपको हटाना पड़ेगा। अब शर्त तुर्की द्वारा रख दी गई है और तुर्की की शर्त मानने के लिए बाइडेन सरकार भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में बार बार ये कह रहा हूँ कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन की ताकत बड़ी है। और जब ताकत बड़ी है तो ये तस्वीर सामने आई कि उन्हें एक गुहार करनी पड़ी अपने F-16 विमान खरीदवाने के लिए, वो भी तुर्की से। इससे पहले आपको बता दें कि जब तुर्की के पास भी अमेरिका F-16 था और S-400 के रडार से F-16 विमानों की टो ले रहा था तुर्की, कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वे नाटो की यूनियन मिलिट्री एक्सराइड में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों के ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जहां S-400 को लाया था तुर्की अपने देश में अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए। बता दें कि तुर्की के पास भी अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, जिसमें तुर्की ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ बदलाव कर इसे F-16S का नाम दिया। इन दिनों तुर्की और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे।
बस इसी बात का बदला लेने के लिए वह रूसी हथियारों का प्रयोग अमेरिकी हथियारों के खिलाफ कर रहा था। अमेरिका ने पहले भी तुर्की पर कई प्रतिबंध लगाए जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई थी। और जो तुर्की की मुद्रा है, खासतौर पर लीरा, उसके गिरने का भी कारण यही रहा कि व्यापार संबंध से बिल्कुल तुर्की को अलग थलग कर दिया गया था। और आज जो बैन लगाए गए थे उस बैन को अमेरिका ने भी माना और ये भी कहा कि हम बैन हटाएंगे, पर लेटर के जरिए ये बात साफ तौर पर गुहार के तौर पर कही गई कि आपको F-16 लड़ाकू विमान जो हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो बड़ी कामयाबी रसब तैयब एर्दोगन को मिली है और अपनी ताकत का मुजाहरा अमेरिका को दिखाते हुए घुटने पर लाने का काम बाइडेन प्रशासन को कर दिया है एक बार फिर से रसब तैयब एर्दोगन ने। रसब तैयब एर्दोगन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।